हेलो नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक स्वरूप और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दोस्तों हम पढ़ रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थली प्रदेश पढ़ लिया, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश भी पढ़ा था कल वाले वीडियो में, आज हम शुरू कर रहे हैं अरावली पर्वत प्रदेश का अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, अरावली पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ या सीकर पर्वत शिखर। तो देखिए, प्रमुख पर्वत शिखर, और इनको याद रखना है आपको, क्योंकि आजकल प्रथम पहली सबसे ऊंची चोटी वगैरह कम पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, प्रमुख पर्वत शिखर में राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। उसका नाम है गुरु शिखर। दूसरी ऊंची चोटी है वो है शेर। गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, ये किस जिले में स्थित है? तो ये है सिरोही जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में। गुरु शिखर की 1722 के अलावा 1727 मीटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों आपको ये दोनों याद रखने हैं, 1722 मीटर और 1727 मीटर, ये गुरु शिखर की ऊंचाई है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हिमालय पर्वत उत्तरी भारत में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी वे अन्नाईमुड़ी की पहाड़ी दक्षिण भारत में स्थित है। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी है वो अरावली पर्वतमाला की। कौन सी ऊंची चोटी है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, गुरु शिखर को संतों का शिखर। और संतों का शिखर कहने वाले कौन थे? ये संतों का शिखर जो उपाधि दी गुरु शिखर को, ये कहने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। ये हो गई गुरु शिखर। दूसरी पर्वत चोटी है वो शेर है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। आपको ऊंचाई भी याद रखनी है दोस्तों, कभी मिलान सुमेलित करने वाले प्रश्न आ जाते हैं, ए सुमेलित और मिलान करने वाले भी आ सकते हैं, तो आपको यहाँ से पूरा चैप्टर इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, शेर है किस जिले में स्थित है? शेर भी सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। और 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है देलवाड़ा। क्या नाम है? देलवाड़ा। इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी सिरोही में स्थित है। तो सीधा सा एग्जाम यूं भी आ सकता है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस जिले में स्थित है, या सर्वाधिक ऊंचे पर्वत किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में स्थित है सबसे ज़्यादा। चौथी ऊंची चोटी है, उसका नाम है जरगा। इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर और ये उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। चार चोटियाँ हो गई, और इसके सूत्र भी आप याद रखना चाहो इसको याद रखने के लिए, तो इसे याद रखना आप, गुरु के शेर दिल से जरा आस रखो। इसके अंदर ये ऊंची ऊंची चोटियां सारी आ जाएगी, तो आपको इसे याद रखना है। इसको क्या याद रखना है? गुरु के शेर दिल से जरा आस रखो। गुरु शिखर, गुरु से क्या हो गई? गुरु शिखर। शेर से क्या हो गई? शेर। दिल से देलवाड़ा। कहां पर है? सिरोही में। जरा से जरगा, जो कहां पर है? उदयपुर में। ए से अचलगढ़। क्या याद रखना है? अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। अचलगढ़ कहां स्थित है दोस्तों? अचलगढ़ है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। तो यहां तक आपको याद हो गई होगी, अभी तक हमने पांच चोटियां पढ़ ली, ये पांच तो आपको याद होनी चाहिए, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ये इसके माध्यम से याद हो जाएगी, गुरु के शेर दिल से, गुरु के शेर दिल से जरा आस रखो।
यहाँ तक हमने देख लिया। गुरु के शेर दिल से जरा आस रखो, ये पांच राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियां हैं, इनका क्रम से भी याद रखना है और इनकी ऊंचाई भी याद रखनी है आपको। सबकी याद नहीं रही लेकिन पांच की याद रखनी है। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, और ये तीनों कहाँ पर स्थित है? ये तीनों के तीनों सिरोही जिले में स्थित है। जरगा 1431 मीटर है और ये उदयपुर जिले में स्थित है। अचलगढ़ 1380 मीटर है और ये सिरोही में स्थित है। आगे चलते हैं आबू। आबू जो शिखर है इसकी ऊंचाई है 1295 मीटर और ये सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में। आबू का पठार भी है दोस्तों, लेकिन ये आबू चोटी है जो सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। छह चोटियाँ हो गई। सातवीं है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1225 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1225 मीटर। कुंभलगढ़ कहाँ है दोस्तों? कुंभलगढ़ है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आप खुद आपके मन में सोचते रहिए ताकि आपको याद रहेगा। जैसे ही रघुनाथगढ़ नाम आए तो आपके दिमाग में नाम आ जाना चाहिए किस जिले में स्थित है। जैसे ही ऋषिकेश नाम आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किस जिले में स्थित है। जैसे ही कमलनाथ आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगली चोटी है वो है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की ऊँचाई 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में। कहाँ पर है? सीकर में। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। ऋषिकेश है, इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर, और ये कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में। ऋषिकेश चोटी कहाँ पर है? राजसमंद में। अगली है नेक्स्ट कमलनाथ, और कमलनाथ की ऊंचाई 1001 मीटर, और ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जिले इनके याद होने चाहिए, कौन से जिले में कौन सी है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा अभी तक सिरोही जिले में आ रही है। सिरोही जिले की सबसे तीन जो ऊंची चोटियां हैं पहले वाली वो सिरोही जिले में है। गुरु के शेर दिल से जरा आस रखो, यहाँ तक आपको ये याद हो जाएगा तो ये पाँचों चोटियाँ आ जाएगी। ए का मतलब अचलगढ़ हो गया और आ का मतलब आबू, ये दोनों इसके अंदर मिक्स याद रख सकते हो आप। गुरु के शेर दिल से जरा आस रखो, तो जरा का जरगा हो गया, आ का एक तो हो गया क्या अचलगढ़, और दूसरी का हो गया आबू। आगे कैसे याद रखना है? कुंभलगढ़ में रघुनाथ वेक, कुंभलगढ़ में सूत्र आपको ऐसे याद रखना है, कुंभलगढ़ में रघु ने ऋषि वे कमल जैसे सजन लोगों को खो दिया। अभी अटपटा सा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये आपको याद हो जाएंगे। तो ये सारी चोटियां आपको मुंह पर याद बोलोगे आप, यहां तक आप गुरु के शेर दिल से जरा आस रखो अगर ये याद हो गया तो आपकी छह चोटियां याद हो गई। गुरु से गुरु शिखर, शेर से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, आ से एक एक का अचलगढ़ हो गया, दूसरा आ का आबू हो गया। आगे चलते हैं हम। आपको ये याद रखना है कुंभलगढ़ में रघु ने ऋषि वे कमल दो आदमी हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, वहाँ पर रघु ने क्या किया? इन दोनों को सजन लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, सजन लोगों को खो दिया। तो कितनी चोटियाँ और आ जाएगी इसमें? 1 2 3 4 5। कुंभलगढ़ का कुंभलगढ़ हो गया 1225 मीटर है, जो राजस्थान की सातवीं ऊंची चोटी है और राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में। रघु से हो गया रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में। ऋषि से हो गया ऋषिकेश, 1017 मीटर है, कहाँ पर है? राजसमंद में। आगे चलते हैं कमलनाथ है उदयपुर में, ये हो गया कमल जैसे सजन लोगों को खो दिया। सजन का हो जाएगा सजनगढ़, और खो का हो गया खो। सजनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में। खो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ये होगी राजस्थान के क्रम से 10 चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ आपको इसके अंदर याद रखना है दोस्तों, और याद रखना ही पड़ेगा आपको ये सारी चीज़। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये है सजनगढ़। ग्यारहवीं चोटी है कौन सी?
सजनगढ़, और सजनगढ़ की ऊंचाई है 938 मीटर। कितनी है? 938 मीटर। सजनगढ़ कहाँ है दोस्तों? सजनगढ़ है उदयपुर में। सजनगढ़ अभयारण्य भी है, सजनगढ़ चोटी भी है, पर्वत शिखर भी है, 938 मीटर ऊंचाई है, कहाँ पर? उदयपुर में। नेक्स्ट चोटी अगली है वो है खो, और खो की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। और खो किस जिले में स्थित है? खो है जयपुर में। हम जैसे ही अगला नाम बोले तो आपके दिमाग में अगर आपको याद है और नाम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। खो के बाद में आती है मायराजी चोटी, वो हम लिख चुके हैं, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी थी मायराजी, 933 मीटर थी। अगली चोटी लेते हैं तारागढ़, और तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर, 873 मीटर है। और ये तारागढ़ किस जिले में स्थित है? तो तारागढ़ है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट लेते हैं नागपाड़, और नागपाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर। नागपाड़ भी कहाँ पर है? अजमेर में। नागपाड़ कहाँ स्थित है? अजमेर में। नागपाड़ की आकृति दोस्तों सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार, इसीलिए इसे नागपहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसकी आकृति सर्प की तरह है, इसलिए इसे नागपहाड़ के नाम से जाना जाता है। बेरांच 792 मीटर, और ये है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में, और इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। नेक्स्ट आती है बरवाड़ा, बरवाड़ा की ऊंचाई है 786 मीटर, और ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। अब आप सोच रहे हो इतनी याद कैसे होगी, लेकिन ये याद हो जाएगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जरूर याद होगी आपको। इसकी भी ट्रिक बताएंगे हम, उससे पहले हमने यहाँ तक ट्रिक देख ली खो तक की, उसके आगे हम यहाँ तक की और ट्रिक देखेंगे। देखो इसकी ट्रिक और समझा देता हूँ मैं आपको। तारागढ़ में नाग, बब्बर बड़ाया, तारागढ़ में नाग है जो बबर कर बड़ बड़ाया, तो बिल्ली बेराहट में जाकर नाची, ये आपको नाम याद नहीं रहे तो कोई जरूरी नहीं है ये सूत्र याद, ये ट्रिक याद नहीं रहे तो आप अपने हिसाब से कोई दूसरी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन ये आपको याद रखने का अच्छा तरीका है, ट्रिक बनाने से आपको याद रह जाएगी। इसके अंदर सूत्र के अंदर क्या आ जाएगी ट्रिक के अंदर? देखो तारागढ़ तो है ही है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर अजमेर में है। नाग बड़ बड़ाया तो नागपहाड़ हो गया, और नाग की ऊंचाई 795 मीटर है, और कहाँ पर है? अजमेर में। बे का मतलब बेरांच हो गया, और बेरांच कहाँ पर है? अलवर में। ऊंचाई कितनी है? 792 मीटर। बर का क्या हो गया? बरवाड़ा। क्या हो गया? बरवाड़ा। कहाँ पर है? जयपुर में। ऊंचाई 786 मीटर। आगे बे और आ रहा है तो क्या हो गया? बब्बई। और बबई कहाँ है दोस्तों? बबई है झुंझुनू में। बबई झुंझुनू में, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। अगली नेक्स्ट चोटी है वो बिल्ली, बिल्ली से क्या हो गया? बिल्लाली। और बिल्लाली की ऊंचाई है 775 मीटर, 775 मीटर है। और बिल्लाली कहाँ पर है दोस्तों? बिल्लाली है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। बेराट में जाकर नाची, बेराट का बेराट हो गया, जाकर का जयगढ़ हो गया, नाची का ने का नारगढ़ हो गया, जे का जयगढ़, ने का नारगढ़। ये सूत्र आपको पूरे याद रहेंगे तो राजस्थान की पूरी चोटियां आपको मुंह पर याद हो जाएगी। बेराट है, इसकी ऊंचाई 704 मीटर है। कितनी है? 704 मीटर। और बेराट कहाँ है दोस्तों? बेराट है जयपुर में। बेराट का प्राचीन नाम क्या था? बेराट का प्राचीन नाम था विराट नगर। नेक्स्ट आगे चलते हैं जयगढ़, और जयगढ़ की ऊंचाई 648 मीटर। जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। जयगढ़ की ऊंचाई है 648 मीटर, ये जयपुर में स्थित है। नारगढ़ है, ये भी जयपुर में है, और 599 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 599 मीटर है। कहाँ पर? नारगढ़, जयपुर में। इन पर दुर्ग भी है, और इन दुर्ग के नाम पर भी इनका नाम रख दिया, जयगढ़ और नारगढ़। ये हो गई राजस्थान की क्रम से सारी की सारी प्रमुख चोटियाँ। तो दोस्तों आपको याद हुई होगी, और नहीं हुई है तो एक बार और देखते हैं हम, और एक मैप बना के ये ट्रिक वापस लिखते हैं पूरी, और उसके बाद समझते हैं, आपको ज़रूर याद होगी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा था दोस्तों? हमने लिखा गुरु सीकर, तो गुरु के शेर दिल से, गुरु के शेर दिल
से जरा आस रखो। यहां तक याद हो जाएगा तब आपके छह चोटियां, राजस्थान की प्रमुख छह चोटियां याद हो जाएगी आपको। उसके बाद याद रखना है आपको कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में रघु ने ऋषि वे कमल, ऋषि वे कमल जैसे सजन लोगों को खो दिया। यहां तक आपको और 10 चोटियां याद हो जाएगी, 11 चोटियां याद हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं तारागढ़, तारागढ़ में नाग बबर बढ़ाया, बबर कर बढ़ाया। तो बिल्ली ने क्या किया, तो बिल्ली है ना कहां पर जाकर नाची, बिल्ली विराट में जाकर नाची। अटपटा सा लग रहा होगा लेकिन हमारे को तो कोई कंपटीशन एग्जाम को पास करना है, कैसे ही करके इनको याद रखना है। और कैसे याद रखने के लिए ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, और ये अच्छी नहीं लगे दोस्तों तो आप अपने हिसाब से दूसरी ट्रिक बना सकते हो। तो इसके अंदर सारी चोटियां कैसे आएगी देखना, एक हो गया गुरु, तो गुरु से हो गया गुरु शिखर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा नंबर क्या है, शेर, शेर कहाँ पर है, सिरोही में, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दिल से हो गया देलवाड़ा और ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी। जरा से हो गया जरगा और ये सबसे चौथी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद क्रम से हम चलते रहेंगे, आप में दो याद रखना है आपको, एक का हो गया अचलगढ़ और दूसरी का आबू। उसके बाद कुंभलगढ़ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर रखो को अभी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद आता है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ के बाद आती है ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद में आती है कमलनाथ, और कमलनाथ के बाद में आती है सजनगढ़, और सजनगढ़ के बाद आती है खो। खो कहाँ पर है, जयपुर में। फिर आता है तारागढ़, तारागढ़ के बाद नागपहाड़, नागपहाड़ के बाद बेरांच। फिर आता है बर और बड़ाया, यहाँ पर बे से तीन नाम याद रखने हैं आपको। एक बर का हो गया बरवाड़ा, दूसरे बे का मतलब बर का बरवाड़ा, बे का एक का नाम क्या हो गया बबई, और बिल्ली से क्या हो गया बिलाली। फिर बेराट, बे से कंटिन्यू चार आ रही है दोस्तों, याद रखना। फिर उसके बाद जाकर से जयगढ़ हो गया, ने नाची से नाहरगढ़ हो गया। ये हो गई राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियाँ। कितनी चोटियाँ याद कर ली आपने, 21 चोटियाँ याद आपको करनी पड़ेगी। ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाएगी, आप इस ट्रिक को लिख सकते हो, अगर नहीं लिखो तो आप खुद स्वयं बना लेना, लेकिन बनाना जरूर ताकि सारी चोटियाँ आपको क्रम से याद रह जाएगी। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, रघु, ऋषिकेश, कमलनाथ, सजनगढ़, खो, तारागढ़, नागपाड़, बेरांच। फिर बे से चार कंटिन्यू आपको याद रखनी है, बरवाड़ा, बबई, बिलाली और बेराट कंटिन्यू आ रही है। उसके बाद जयगढ़ और नारगढ़। ये हो गई राजस्थान के अपने प्रमुख पर्वत शिखर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पर्वत शिखर आपको याद हो गए होंगे। अब राजस्थान के प्रमुख, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पर्वत पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, राजस्थान में कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है, इनके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं त्रिकुट पर्वत और त्रिकुट पर्वत। ये दो नाम क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं मिसप्रिंट हो गई, नहीं मिसप्रिंट नहीं हुई दोस्तों, ये दो ही है राजस्थान में। एक त्रिकुट पर्वत है, वो कहाँ पर है, जैसलमेर में, कहाँ पर है, जैसलमेर में। और इस जैसलमेर वाले त्रिकुट पर्वत पर एक दुर्ग है जिसका नाम है सोनारगढ़, क्या नाम है, सोनारगढ़ का किला या सोनारगढ़ दुर्ग, कहाँ पर है, जैसलमेर में, और कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पर्वत पर। और अगला त्रिकुट पर्वत है दोस्तों, वो है करौली के अंदर, कहाँ पर है, करौली में, जहाँ पर केला देवी माता का मंदिर है, किसका मंदिर है, केला देवी माता का मंदिर।
केला देवी माता का मंदिर कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर। तो ये दोनों त्रिकुट पर्वत आपको याद रखना है, ऑप्शन के आधार पर राइट हो जाएगा। एक जैसलमेर में है जहाँ पर सोनारगढ़ दुर्ग है, दूसरा त्रिकुट पर्वत है करौली में जहाँ पर केला देवी माता का मंदिर है। अगला चलते हैं चिड़िया टूंग की पहाड़ी। चिड़िया टूंग की पहाड़ी है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? चिड़िया टूंग की पहाड़ी स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर एक दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, मयूर दौज, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। और कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर। हम दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला की प्रमुख जो पहाड़ियाँ छिटपुट दूसरे स्थानों पर बिखरी हुई है उनके नाम देख रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। सीधा सा पूछते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ स्थित है या छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, चिड़िया टूंग की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये पूरा ऐसे याद रखना है। छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो छप्पन की पहाड़ियाँ शिवाना तहसील, शिवाना कहाँ पर है? शिवाना है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। शिवाना से लेकर जालौर शहर तक फैली है। छप्पन की पहाड़ियों का विस्तार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? छप्पन की पहाड़ियाँ शिवाना, बाड़मेर के अंदर शिवाना एक स्थान पड़ता है, वहाँ से लेकर जालौर प्रॉपर जो जालौर शहर है वहाँ तक फैली हुई पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। छप्पन की पहाड़ियों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट निकाला जाता है दोस्तों जालौर साइड से, और इस ग्रेनाइट अधिक निकलने के कारण इस छप्पन की पहाड़ियों को ही ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस छप्पन की पहाड़ियों को हम क्या कह सकते हैं? ग्रेनाइट पर्वत भी कह सकते हैं। किसे? छप्पन की पहाड़ियों को ही ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है, छप्पन की पहाड़ियों को ही नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियों के तीन नाम हो गए, एक छप्पन की पहाड़ियां, दूसरा ग्रेनाइट पर्वत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट अधिक उत्पादन किया जाता है, नाकोड़ा पर्वत नाकोड़ा स्थान है, यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का मंदिर है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? नाकोड़ा में। इसे मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मेवा नगर के नाम से। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। त्रिकुट पर्वत दो है, एक जैसलमेर में दूसरा करौली में। चिड़िया टूंग की पहाड़ी जोधपुर में है जिस पर मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। छप्पन की पहाड़ी है दोस्तों, ये बाड़मेर से शुरू होती है, बाड़मेर का एक स्थान है शिवाना, वहाँ से शुरू होती है और जालौर शहर तक फैली हुई है। इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट का उत्पादन अधिक किया जाता है, ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। किसे? जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस छप्पन की पहाड़ियों को ही ग्रेनाइट पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये छप्पन की पहाड़ियाँ और छप्पन का मैदान, ये दो चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं दोस्तों। तो छप्पन की पहाड़ियाँ और छप्पन के मैदान में थोड़ा याद रखना, छप्पन की पहाड़ियाँ जालौर में है और छप्पन के मैदान दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा के पास में है। छप्पन नदी नालों के समूह को बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो बीच वाला भाग है उसे छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये छप्पन की पहाड़ियाँ हैं जो शिवाना बाड़मेर से जालौर शहर तक फैली हुई है। यहाँ से ग्रेनाइट निकाला जाता है इसलिए इसे ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किसे? छप्पन की पहाड़ियों को। छप्पन की पहाड़ियों में ही ना कुछ पर्वत शिखर पाए जाते हैं जालौर शहर की तरफ, जालौर क्षेत्र में, जालौर क्षेत्र में कुछ पर्वत शिखर पाए जाते हैं रोजा बाकर, इसराना बाकर, रोजा बाकर और इसराना बाकर। कहाँ पर है? जालौर के अंदर है। और कौन सी पहाड़ियों के भाग है? छप्पन की पहाड़ियों के भाग है। किसके? रोजा बाकर की ऊंचाई है 730 मीटर, ऊंचाई भी देख लेना। और इसराना बाकर जो है, इसराना बाकर की ऊंचाई है 839 मीटर। ये दोनों बाकर कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियों के ही भाग है। किसकी पहाड़ियों के? छप्पन की पहाड़ियों के। नेक्स्ट आगे चलते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और लिख भी सकते हो साथ में। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे चलेंगे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने दोस्तों। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ,
जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है दोस्तों? तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं जालौर के अंदर, और ये भी जालौर में, ये भी जालौर में। फर्क क्या है? ये बाड़मेर की तरफ है, 56 की पहाड़ियां जालौर से बाड़मेर की तरफ है, सिवाना की तरफ, और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं ये जालौर से आबू की तरफ है, और आबू किधर है? सिरोही जिले में। तो आबू से लेकर जालौर तक जो पहाड़ियां फैली हुई है उसे जसवंतपुरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां हो गई जालौर शहर में, जालौर से शुरू होती है और आबू तक फैली हुई है। उसके बाद चलते हैं सुंदा पर्वत, और सुंदा पर्वत भी कहां पर है दोस्तों? सुंदा पर्वत भी जालौर में है, और यहां पर राजस्थान का प्रथम रोप वे बनाया गया, राजस्थान का प्रथम रोप वे। रोपवे का मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनके बीच में वो लटकते हुए चलते हैं आदमी तार बांध के, उसको बोलते हैं रोपवे। ये राजस्थान का प्रथम रोपवे है सुंदा माता मंदिर वाला, यहाँ पर सुंदा माता का मंदिर भी है। दूसरा रोपवे पूछे तो करणी माता का मंदिर उदयपुर के अंदर है, तीसरा पूछे तो सावित्री माता का मंदिर पुष्कर के अंदर है। अगला चलते हैं बाकर, बाकर किसे कहते हैं दोस्तों? बाकर है ना सिरोही जिले में, सिरोही के अंदर कटकनुमा तीक्ष्ण डाल वाली पहाड़ियों को बाकर नाम से जाना जाता है, मतलब कि ऐसे बिल्कुल खड़ी पहाड़ियां, तीक्ष्ण कटकनुमा एकदम तीखी पहाड़ियां जो होती है उनको सिरोही जिले में किस नाम से जाना जाता है? बाकर नाम से जाना जाता है। मेवल क्या होता है दोस्तों? मेवल जो है यह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। मेवल कहां पर है? डूंगरपुर वे बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवल नाम से जाना जाता है। गिरवा, गिरवा उदयपुर शहर के अंदर है, कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर के अंदर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां फैली है, आकृति कैसी है इनकी? तस्तरी नुमा। तो उदयपुर शहर के अंदर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां फैली हुई है इन्हें गिरवा के नाम से जाना जाता है। अब ये पर्वत आपको याद हुए होंगे दोस्तों, त्रिकुट पूछ ले जैसलमेर और करौली में, चिड़िया टू की पहाड़ी पूछ ले तो मेहरानगढ़ दुर्ग है इस पर और ये जोधपुर में है, 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर से जालौर तक, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ ये सिरोही का आबू क्षेत्र है, आबू से जालौर तक फैली हुई है, सुंदा पर्वत है ये जालौर जिले में स्थित है, भाकर है जो सिरोही जिले में अत्यंत कटकनुमा तीक्ष्ण ढाल वाली जो पहाड़ियाँ होती है उनको भाकर नाम से जाना जाता है, मेवल है बांसवाड़ा वे डूंगरपुर के मध्य का जो क्षेत्र है वो मेवल नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, कॉन्स्टेबल में भी पूछा हुआ है, इसको याद रखना, डूंगरपुर वे बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र मेवल नाम से जाना जाता है। गिरवा है वो उदयपुर शहर में तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ फैली हुई जिनकी आकृति तस्तरी नुमा है इसे गिरवा के नाम से जाना जाता है, ये याद हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे है बोमट। बोमट कहाँ है दोस्तों? तो बोमट कहाँ पर है? ये है बांसवाड़ा उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, बांसवाड़ा उदयपुर वे डूंगरपुर। बांसवाड़ा उदयपुर वे डूंगरपुर, बांसवाड़ा उदयपुर व डूंगरपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र इसे बोमट नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर भील जनजाति अधिक निवास करती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। और ग्रास्य जनजाति कहाँ पर अधिक निवास करती है, कौन से भाग पर? तो भाकर में, भाकर जो पहाड़ियाँ थी सीकर में, यहाँ पर ग्रास्य जनजाति, सॉरी सीकर नहीं सिरोही में, उसे भाकर नाम से जाना जाता है। भाकर दोस्तों सिरोही जिले में है, तीक्ष्ण कटकनुमा जो पहाड़ियाँ हैं इसे बाकर नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में कहा जाता है इनको बाकर। और यहाँ पर कौन सी जनजाति अधिक निवास करती है? ग्रासिया। और भील जनजाति का पूछे तो बोमट जो क्षेत्र है ये भील जनजाति का है, बांसवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर के बीच में सीमावर्ती भाग। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों,
मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इसका विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? अजमेर का जो टाटगढ़ वाला बाग है, अजमेर का टाटगढ़ वाला बाग यहाँ से लेकर राजसमंद पाली, इस बाग में जो ये पहाड़ियाँ फैली है इसे मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अजमेर जिले का सिर्फ टाटगढ़ स्थान आता है और राजसमंद व पाली का सीमावर्ती क्षेत्र इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का, वो उन्हें मेरवाड़ा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये मारवाड़ वे मेवाड़ के मैदान को अलग करती है। मारवाड़ वे मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? मारवाड़ वे मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर? अजमेर के टाटगढ़ क्षेत्र से राजसमंद वे पाली का सीमावर्ती क्षेत्र पर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। अब चलते हैं मुकुंदवाड़ा। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी होती है शुरू कहाँ से? जालरापाटन झालावाड़ से। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ झालरापाटन, और झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में। यहाँ से शुरू होती है और कोटा शहर तक फैली हुई है। झालरापाटन से कोटा तक फैली पहाड़ियों को मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मुकुंदरा हिल या मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व की स्थापना की गई है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व की स्थापना कहाँ पर की गई है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ झालरापाटन झालावाड़ से कोटा शहर तक फैली हुई है। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? रामगढ़ पहाड़ी है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। और यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा था, इस वजह से खड्डा बन गया और उसे बोलते हैं उल्का झील। तो रामगढ़ की पहाड़ियों में उल्का झील बनी हुई है। और इन पहाड़ियों की आकृति कैसी है? रामगढ़ पहाड़ियों की आकृति, तो रामगढ़ पहाड़ियों की आकृति है दोस्तों अर्धचंद्राकार। कैसी आकृति है रामगढ़ की पहाड़ियों की? तो रामगढ़ पहाड़ियों की आकृति अर्धचंद्राकार है। और इस पहाड़ी के बीच में क्या हुआ? उल्का गिरने की वजह से एक झील का निर्माण हो गया, उल्का झील के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं आडावाल पर्वत, और आडावाल पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? तो आडावाल पर्वत भी बूंदी के अंदर है। हर्ष पर्वत, मालखेत और पालखेत, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? सीकर के अंदर। सीकर के अंदर हो गए ये तीनों के तीनों। ये हो गए अपने सारे पर्वत, तीन आगे बचे हैं। आडावाल पर्वत बूंदी में है दोस्तों, रामगढ़ पहाड़ी 12 के अंदर है। रामगढ़ कहाँ पर है? रामगढ़ अभ्यारण्य भी है, रामगढ़ अभ्यारण्य विषैले सर्प पाए जाते हैं। और रामगढ़ पहाड़ी है 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ उल्का झील का निर्माण हुआ है उल्का गिरने की वजह से, और इन पहाड़ियों की आकृति अर्धचंद्राकार है। आडावाल पर्वत है ये बूंदी में है, और हर्ष पर्वत, पालखेत और मालखेत और खंडेला, ये चारों के चारों कहाँ पर है? ये पर्वत सारे के सारे सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में। हर्ष पर्वत है, यहाँ पर हर्षनाथ का मंदिर है, जीण माता के भाई थे उनका मंदिर है हर्षनाथ का मंदिर। कहाँ पर है? हर्ष पर्वत पर। और हर्षनाथ पर्वत पूछ ले हर्षनाथ की पहाड़ी, तो वो है अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पालखेत मालखेत सीकर के अंदर है, और खंडेला भी सीकर के अंदर है। और इन खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? कांतली नदी का। बीजासन पर्वत है दोस्तों, यह है भीलवाड़ा में। बीजासन पर्वत कहां पर है? भीलवाड़ा में। खंडेला हमने पढ़ लिया सीकर में है। मंगरा कहां पर है? उदयपुर में। पहाड़ी क्षेत्र को उदयपुर में मंगरा कहा जाता है। ये हो गई राजस्थान के प्रमुख पर्वत। राजस्थान के प्रमुख पर्वत दोस्तों एक बार वापस देख लीजिए, त्रिकुट दो है, जैसलमेर और करौली। चिड़िया टूक है, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है। छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर से जालोर शहर तक है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर शहर से आबू की तरफ वाला भाग है।
सुंदा पर्वत जालोर शहर में सुंदा माता का मंदिर है, प्रथम रोपवे स्थित है। भाकर सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर तीक्ष्ण कटकनुमा जो पहाड़ियाँ हैं वो भाकर नाम से जानी जाती है और यहाँ पर ग्रासिया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? ग्रासिया। मेवल है डूंगरपुर में बांसवाड़ा का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र मेवल कहलाता है। गिरवा उदयपुर के अंदर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ फैली हुई उन्हें गिरवा के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोमट है बांसवाड़ा उदयपुर में डूंगरपुर वाला पर्वतीय क्षेत्र है, बोमट नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भील जनजाति अधिक निवास करती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ टाटगढ़, राजसमंद वे पाली, इन तीनों क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है और मारवाड़ और मेवाड़ के मैदान को अलग करती है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी जालरापाटन झालावाड़ से शुरू होती है और कोटा शहर तक है। जालरापाटन को घंटियों को शहर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शहर? घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। रामगढ़ पहाड़ी है बारह के अंदर है। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? बारह में। और यहाँ पर उल्का गिरने से उल्का झील का निर्माण हुआ। और रामगढ़ पहाड़ियों की आकृति कैसी है दोस्तों? तो अर्धचंद्राकार आकृति है। कैसी है? अर्धचंद्राकार। आडावाल पर्वत अगला, आडावाल पर्वत है बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में। नेक्स्ट हर्ष पर्वत, पालखेत, मालखेत और खंडेला, ये चारों के चारों कहाँ पर है? चारों के चारों है सीकर जिले के अंदर। हर्ष पर्वत के पास में हर्षनाथ का मंदिर है, पालखेत, मालखेत और खंडेला। खंडेला से कांतली नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कांतली नदी का। आगे है बीजासन पर्वत, ये भीलवाड़ा के अंदर है। मगरा है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, पर्वतीय क्षेत्र को मगरा नाम से भी जाना जाता है। ये होगी अरावली पर्वत के प्रमुख चोटियां और प्रमुख पर्वत। अब देखिए अरावली पर्वत के दरे और दरों को नाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाल। दरे और नाल होती क्या है? अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, तो इस पर्वत को जो काट कर रास्ता निकाला जाता है, इस पर्वत को जो काट कर रास्ता निकाल दिया हमने, इसे ही कहा जाता है क्या? दरा। पर्वत काट के जो रास्ता निकाला जाता है इसे ही दरा कहा जाता है या नाल कहा जाता है। तो राजस्थान में ऐसी नालें और दरे कहाँ कहाँ हैं? तो इनके नाम याद रखने हैं आपको, सिर्फ नाम और जिले याद रखने हैं। जैसे केवड़ा की नाल, सीधा सा राजस्थान पुलिस में सीधा सा पूछा जाता है केवड़ा की नाल कहाँ स्थित है, फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, केवड़ा की नाल है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। दूसरी है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल या फुलवारी दरा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। अगला देखिए सोमेश्वर, सोमेश्वर दरा, हाथीगुड्डा, हाथीगुड्डा की नाल, कामली घाट, पीपली घाट, कछावली घाट, हल्दी घाटी दरा, ये सारे के सारे दरे कहाँ पर है? ये सारे के सारे दरे हैं राजसमंद के अंदर। कहाँ पर है? राजसमंद में। इनके नाम याद रखने हैं दोस्तों आपको, सीधा सा आता है केवड़ा की नाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। फुलवारे की नाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सोमेश्वर दरा, हाथीगुड़ा की नाल, कामली घाट, पीपली घाट, कछावली घाट, हल्दी घाटी दरा, दिवेर घाट, दिवेर दरा, दिवेर की नाल, ये सारे के सारे कहाँ पर है दोस्तों? ये सभी के सभी दरा कहाँ पर है? राजसमंद में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जीलवा या पगलिया,
झीलवा में या पगलिया दरा कहाँ पर है? तो ये है पाली में। कहाँ पर है? पाली में। अगला परवेरिया, परवेरिया वे सूरागाट, परवेरिया वे सूरागाट, ये सारे के सारे कहाँ पर है? दोनों के दोनों अजमेर में। ये दरें और प्रमुख नाले हैं दोस्तों अरावली पर्वतमाला के, इनको आपको याद रखना है। केवड़ा की नाल उदयपुर में, आगे फुलवारे की नाल उदयपुर में, सोमेश्वर दरा, हाथीगुड़ा की नाल, दिवेर की नाल, हल्दी घाटी, कछावली, कामली घाट, पीपली घाट, ये सारे के सारे कहाँ पर है? राजसमंद में। फिर झीलवा, पगलिया वे देसूरी की नाल, झीलवा या पगलिया एक ही नाम है इसका, और ये कहाँ पर है? पाली में। और देसूरी की नाल कहाँ पर है? पाली में। शिवपुर घाट, सूराघाट और परवेरिया, और बर, ये चारों के चारों कहां पर है? अजमेर के अंदर। कौन कौन सी? परवेरिया, सूराघाट, शिवपुर घाट और बरदरा, ये सारे के सारे अजमेर के अंदर है। तो आपको ये 13 नाम याद रखने हैं, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो याद हो जाएगा आपको, केवड़ा की नाल उदयपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, दो उदयपुर में हो गई, दोनों के दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर दरा, हाथीगुड़ा की नाल, कामली घाट और पीपली घाट, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, कामली और पीपली, कछावली, हल्दी घाटी और दिवेर, ये सारी की सारी राजसमंद के अंदर है। पाली के अंदर दो है, देसूरी की नाल और झीलवा या पगलिया की नाल, कहाँ पर है? पाली में। अजमेर के अंदर तीन है, परवेरिया, सूराघाट, शिवपुर घाट और बरदरा, ये चारों के चारों कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। ये होगी अरावली पर्वतमाला की प्रमुख दरें। अब चलते हैं आगे, अगला है अपना अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार या राजस्थान के प्रमुख पठार। प्रमुख पठार में सबसे पहला लेते हैं उड़िया का पठार। सबसे पहला कौन सा है? उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार कहां पर स्थित है दोस्तों? तो उड़िया का पठार है सिरोही के अंदर, आबू पर्वत हमने पढ़ा था उसके पास में स्थित है उड़िया का पठार, सिरोही जिले में स्थित है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है जिसका नाम है उड़िया का पठार। और उड़िया के पठार की ऊंचाई है दोस्तों 1260 मीटर। कितनी है? 1260 मीटर। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा पठार है वो है बोराड का पठार। बोराड का पठार कहां पर है दोस्तों? तो बोराड का पठार है कुंभलगढ़ वे रास, कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य। बोराड का पठार कहां पर है? कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य। और ये स्थानों के नाम नहीं आए और जिलों के नाम आ जाए, तो कुंभलगढ़ कहां पर है? कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में है। कहां पर है? कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। ये हो गया दोस्तों बोराड का पठार, कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य स्थित है, जो कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में, और गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। मतलब कि राजसमंद और उदयपुर के बीच में जो पठार है उसका नाम है बोराड का पठार, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट तीसरा है आबू का पठार। और आबू के पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। और है कहां पर ये आबू का पठार? आबू का पठार है दोस्तों सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही के अंदर। और ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। आगे चलते हैं, वो है देशहरों का पठार।
देशहरों का पठार है दोस्तों, ये सदैव हरा भरा रहने के कारण इसे देशहरों का पठार के नाम से जाना जाता है। देशहरों का पठार जो है ये है जरगा वे रागा के मध्य, जरगा पर्वत वे रागा पर्वत। जरगा वे रागा के मध्य जो पठार स्थित है उसे देशहरों के पठार के नाम से जाना जाता है। अब पूछ ली किस जिले में स्थित है, तो जरगा का कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है, उदयपुर में। जरगा और रागा दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। ये दोनों पहाड़ियाँ दोस्तों जरगा और रागा उदयपुर के अंदर है। जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में जो पठार स्थित है वो देशहरों का पठार कहलाता है। पठार होता है क्या दोस्तों, धरातल से ऊपर उठी हुई तीक्ष्ण नुमा जो पर्वत होते हैं, ये तो पर्वत होते हैं ठीक है। और अब पठार की परिभाषा देखिए आप, धरातल से तो ऊपर उठा हुआ भाग हो, किससे, धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग जिसका शीर्ष है वो समतल हो, शीर्ष कैसा हो, समतल, तो वो क्या कहलाते हैं, पठार। तो ये पठार हम पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब ये ऊपर से सारे के सारे समतल है। कौन कौन से पठार पढ़ लिए अभी हमने, चार पठार पढ़ लिए। पहला कौन सा पठार, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा, उड़िया का पठार, ऊंचाई कितनी थी 1360 मीटर। दूसरा पठार हमने कौन सा पढ़ा, भोराड का पठार, ऊंचाई कितनी थी 1225 मीटर। कहाँ पर था, कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ कहाँ पर था, राजसमंद में। गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर में। फिर आगे आबू का पठार सिरोही के अंदर है और 1200 मीटर ऊंचाई है। देशहरों का पठार है जरगा विरागा पहाड़ियों के मध्य है और ये कौन से जिले में है, उदयपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट अगला है उपरमाल का पठार, उपरमाल का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों, तो उपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां से, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग उपरमाल का पठार कहलाता है। बिजोलिया कहां पर है दोस्तों, तो बिजोलिया है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़ में। तो उपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक, इतना लंबा है। कहने का मतलब ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पठार, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, उपरमाल का पठार। ये हो गई अपने पठार। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है वो है मैसा का पठार। मैसा का पठार आप सबको पता है क्योंकि हम चित्तौड़गढ़ का किला देखते हैं और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है किस पठार पर स्थित है, मैसा के पठार पर। तो ये कौन से जिले में हो गया, मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। और इस पर दुर्ग कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ का किला इसी पहाड़ी पर स्थित है, इसी पठार पर स्थित है, मैसा के पठार पर। अगला जो पठार है वो है क्रास का एवं कांकनवाड़ी का पठार। क्रास का एवं कांकनवाड़ी का पठार, और क्रास का एवं कांकनवाड़ी का पठार कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो क्रास का एवं कांकनवाड़ी का पठार स्थित है अलवर के अंदर। कहाँ पर है, अलवर में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है उसी के अंदर स्थित है क्रास का एवं कांकनवाड़ी का पठार। एक पठार और आता है पीडमांड उच्च भूमि पठार, पीडमांड उच्च भूमि। और पीडमांड उच्च भूमि पठार कहां पर है दोस्तों, तो ये है देवगढ़ तहसील में, राजसमंद की देवगढ़ तहसील है। देवगढ़ तहसील में जो ऊपर उठा हुआ भाग है धरातल का उसे पीडमांड के नाम से जाना जाता है। तो पीडमांड का पठार हो गया, क्रास का कांकनवाड़ी का पठार अलवर में, मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। फिर
आबू का पठार सिरोही में, देशरो का पठार, ये याद रखना है आपको खास तौर से, बोराड का पठार और देशरो का, ये एग्जाम बहुत बार पूछे जाते हैं और इनकी पहाड़ियों के नाम दिए जाते हैं कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में है। तो देशरो का पठार कभी भी पूछे तो देशरो का पठार जो है वो है जरगा वे रागा पहाड़ियों के बीच में, और ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है, उदयपुर में। उपरमाल का पठार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बिजोलिया से शुरू होता है और भैंसरोडगढ़ तक है, बिजोलिया भीलवाड़ा में है और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़ में। फिर पढ़ा था हमने उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और कहाँ पर है, सिरोही जिले में आबू पर्वत के पास में। बोराड का पठार, बोराड का पठार है कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है और गोगुंदा उदयपुर में स्थित है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1225 मीटर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, अरावली जो पर्वतमाला है इसके अंदर एक भ्रंश पाया जाता है जिसका नाम है GBF, ग्रेट बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, और इसे कहा जाता है महान सीमांत भ्रंश। महान सीमांत भ्रंश ये दोस्तों क्या है, जैसे ये अपना राजस्थान है तो यहाँ पर कोटा से लेकर यहाँ सारे सारे पाया जाता है, चंबल नदी के सारे सारे, ये क्या करता है, ये अरावली समूह की चट्टाने वे मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला है तो विंध्यन पर्वत की चट्टाने, इन दोनों को चट्टानों को अलग करने वाला जो भाग है इसे कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमांत भ्रंश। महान सीमांत भ्रंश है दोस्तों, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। महान सीमांत भ्रंश की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर, GBF, और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है इसे। ये चित्तौड़गढ़ में बेंगू से प्रारंभ होता है, कहाँ से, चित्तौड़गढ़ जो जिला है यहाँ बेंगू से प्रारंभ होता है, कोटा होते हुए धौलपुर तक जाता है ये राजस्थान में, चंबल नदी के सारे सारे, और ये पूरा के पूरा जो भाग है, इधर वाली जो पहाड़ियाँ सारी चट्टाने आएगी, अरावली समूह की चट्टाने हैं, तो अरावली पर्वतमाला को और विंध्याचल को अलग करने वाला जो भ्रंश है उसे किस नाम से जाना जाता है, महान सीमांत भ्रंश। कहाँ पर फैला हुआ है, बेंगू, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ सीमावर्ती भाग में पाया जाने वाला जो भ्रंश है इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ी थी अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ, उनके प्रमुख पठार, उनके प्रमुख पर्वत, दरें, नाल। तो अरावली पर्वतमाला अपना चैप्टर समाप्त हो चुका है दोस्तों, अगले वीडियो में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती के पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल पर डलने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।